रामदान के टाइम पर फास्टिंग करने सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं है इस फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स भी है मैं आपको बताऊंगा रामदान में फास्ट करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे फास्टिंग के फर्स्ट फ्यू डेज में आपका ब्लड शुगर लेवल्स एंड ब्लड प्रेशर नेचुरली डिक्रीज होता है जिससे आपकी बॉडी में एक क्लेंजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है द अर्ली डेज में फील चैलेंजिंग पर ये एक तरीका है आपकी बॉडी को रिसेट होने का नेक्स्ट फ्यू डेज में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्ट मोड में चला जाता है और आपका सारा एनर्जी शिफ्ट होता है क्लेन्जिंग में आपके व्हाइट ब्लड सेल्स एक्टिवेट होता है और आपके ऑर्गन्स का हीलिंग प्रोसेस भी शुरू होता है ऑलमोस्ट 15 टू 20 डेज बाद आपका एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं कंसंट्रेशन शार्प होती है मेमोरी इंप्रूव होती है और आपकी बॉडी पार्ट्स जैसे कोलन लिवर किडनीज एक साथ मिलकर सब टॉक्सिंस को एलिमिनेट करता है जिसे आप आपकी बॉडी अपने पीक परफॉर्मेंस पर रहते हैं लास्ट के डेज में योर बॉडी बिकम्स अ वेल ऑयल्ड मशीन आपका बॉडी अडैप्ट हो जाता है और आप बहुत एनर्जेटिक हो जाते हो फास्टिंग इज बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस रमजान इज अ ग्रेट एग्जांपल आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजियंस एंड रेकमेंड एवरीवन टू फास्ट एज पर देयर रिलीजियस बिलीव्स आपकी फ्रेंड्स जो भी रमजान रख रहे हैं इस साल सबको बेजो रमजान मुबारक